हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11 के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में आपका देखा था कमेंट क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, कि डेटा आपका इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है आपका, इसमें मैपिंग टाइप भी आपका होता है, सीक्वेंस टाइप भी होते हैं। तो वो रिप्रेजेंट जो करता है आपका, वो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा। डेटा पे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कोई ऑपरेशन, और क्या टाइप है डेटा, किस टाइप का है आपका, नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, जिसमें सबसे पहले आपका आता है नंबर डेटा टाइप, देन सीक्वेंस डेटा टाइप है, फिर सेट डेटा टाइप है, नन है, एंड फिर आपका मैपिंग है। नंबर डेटा टाइप में आपके इंटीजर नंबर डेटा टाइप भी होते हैं, इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टाइप डेटा टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप भी आपके होते हैं। ऐसी आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ होता है आपका, जिसमें स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, टपल होती है आपकी। सेट आपका डेटा टाइप है, मैपिंग के अंदर आपका आता है डिक्शनरी। तो सबसे पहले अगर हम नंबर डेटा टाइप की बात करें, नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। वो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका हो सकता है। देन अगर हम लोग इंटीजर डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, फिर पूरा मैं आपको ये कोड के थ्रू भी बताऊंगा आपको टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे। तो टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जांपल है, इंटीजर है, इंटीजर नंबर है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट में नहीं होगी वैल्यू। फ्लोट में आपका रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनको बोलते हैं, जिसमें आपका नेगेटिव में भी हो सकते हैं पॉइंट वैल्यू और पॉजिटिव में भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आपका क्या होता है, 3+4j, जे फॉर्मेट में अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसके अलावा अगर इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही हम लोग बात करते हैं आपके नंबर डेटा टाइप में, तो आपके बुलियन डेटा टाइप भी होते हैं, जिसमें दो बुलियन वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो सब टाइप ऑफ अ इंटीजर इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिडर ऑफ टू ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन ट्रू वैल्यू इज अ नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी वैल्यू होती है आपकी, ट्रू का मीनिंग क्या है आपका, वन बोल सकते हैं, एंड बुलियन फॉल्स इज अ वैल्यू जीरो, फॉल्स की आपकी वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें आपने नम वन 10 दिया है, नम टू को नेगेटिव में आपने दिया है, फिर नम थ्री लिया है, नम फोर, नम फाइव। अगर आप इसके टाइप की बात करें नम वन की, तो ये इंट टाइप देगा आपका टाइप। आप नम टू की बात करते हैं तो ये भी इंटीजर टाइप है। इसकी टाइप की बात करेंगे, ये बुलियन है, ये आपका फ्लोट है, ये भी फ्लोट डेटा टाइप है, ये भी आपका फ्लोट है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है आपका टाइप, ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू जब आपको कोड में बताऊंगा तो वहां पर हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से। वेरिएबल ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एक्स्ट्रा होल्ड सिंगल वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू को ही आपका होल्ड करता है, बट सच वेरिएबल आर नॉट यूजफुल टू होल्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, जैसे मंथ के नेम आपको स्टोर करना है, मल्टीपल स्टूडेंट का नेम आपको स्टोर करना है, नंबर्स, मार्क्स, फोन बुक, डायरी आपको बनानी है, तो वो आप सिंपल जो इंटीजर, फ्लोट या बुलियन है उससे आप बना नहीं सकते हैं। फॉर दिस पाइथन प्रोवाइड अ डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। ये आपके क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं जो कलेक्शन आपका परफॉर्म करता है, जिनको हम सीक्वेंस डेटा टाइप या मैपिंग डेटा टाइप बोलते हैं। अब सीक्वेंस डेटा टाइप की बात करते हैं तो सीक्वेंस का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल अदर डेटा टाइप। सो पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स बाय इंटीजर। आपके जो आइटम एक्सेस होंगे वो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस होते हैं आपके सीक्वेंस डेटा टाइप में। तो तीन टाइप के आपके सीक्वेंस डेटा टाइप है, जिसमें स्ट्रिंग है, लिस्ट है, एंड टपल है आपका। अब सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर, मल्टीपल करेक्टर जब आपके कंबाइन होते हैं तो आपका एक स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएट होता है। दीज करेक्टर में भी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी हो सकता है आपका, इसमें स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, और उसे आप राइटअप करते हैं या तो डबल कोट में लिखेंगे या सिंगल कोट में। तो ये अगर आप राइटअप करें डबल कोट सिंगल कोट में दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आपने स्ट्रिंग आपने राइटअप किया है इधर इन सिंगल कोट और डबल कोट में आप राइटअप करते हैं, जैसे एस टी आर वन में आपने लिखा हेलो स्टूडेंट,
और STR-2 में आपने 4, 2, 5, 6 ये सिंगल कोट में लिखा है, तो आपने नंबर भी लिखा है बट वो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। तो ये भी एक स्ट्रिंग डेटा है और ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप है। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम आर इंक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। आइटम जो भी आप राइट अप करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट अप करेंगे। जैसे आपने यहां पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपने डीजर वैल्यू भी ली है, स्ट्रिंग वैल्यू भी ली है, फ्लोट भी है आपका, एंड उसके अलावा बुलियन वैल्यू भी है, फिर से स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, तो मल्टीपल वैल्यू का आप कलेक्ट करके रख रहे हैं। तो जब आप इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका डिफाइन करेगा, इट इज अ लिस्ट टाइप, क्लास एंड लिस्ट आपका ये डिनोट करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपका है टपल। टपल एक टपल भी आपका क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है आपका, एंड ये पैरेंथेसिस के अंदर आप डिफाइन करते हैं और सेपरेट होती है वैल्यू आपकी कॉमा से। और टपल का एक टपल का अभी म्यूटेबल और इम्यूटेबल आपका आएगा। तो ये क्या है आपका, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल कैन वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट बी चेंज इट। एक बार आपने इसे क्रिएट कर दिया है उसके बाद आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो परमानेंट स्टोर हो जाता है आपका टपल वैल्यू। तो जैसे आपने टपल वन बनाया है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिखी है, प्रिंट की आपने, टाइप आप डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन कर देगा आपका, इट इज अ टपल टाइप। इसके बाद आते हैं आपका सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप आपकी मेनली डिनोट करता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप राइट अप करते हैं, एंड सेट आपने पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं, वही सेट आपका डिफाइन करता है यहां पर। अ सेट इज सिमिलर टू लिस्ट एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट। सेट में कभी भी आपका कोई अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट देते भी हैं तो वो डुप्लीकेट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है आपका सेट। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज। सेम जैसे टपल में आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही आपका सेट में भी वैल्यू को एक बार आपने क्रिएट कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट, आपने यहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट दिया है बट आप जब प्रिंट करेंगे तो एक ही बार वो प्रिंट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को आपका एक्सेस नहीं करेगा। इसके बाद आता है आपका नन डेटा टाइप। नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विच अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होती है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। अब किसी सिचुएशन में आपकी वैल्यू एब्सेंस है उस केस में आप नन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जीरो नहीं होता है। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेटर एंड इट इज नाइदर सेम एज फॉल्स और जीरो। ये फॉल्स और जीरो की तरह नहीं होता है, ये केवल आपका नन वैल्यू है, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है, ना ही जीरो है, ना ही आपकी वन है, ना फॉल्स है, ना ट्रू है आपकी। इसके बाद आता है आपका मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप का अंडर अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन, ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है और इसमें जब भी आप डेटा को एक्सेस करेंगे वो की के थ्रू करेंगे। करेंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इज अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इज अ पाइथन होल्ड डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर। जो डिक्शनरी आपका है वो डेटा जो स्टोर करता है वो आपका की वैल्यू पेयर में डेटा जो है वो स्टोर करेगा। आइटम आपके रिप्रेजेंट होते हैं इसमें भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा। डिक्शनरी के अंदर जो डेटा आप एक्सेस करते हैं फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, और की एंड वैल्यू जो सेपरेट होती है वो आपकी कोलन से सेपरेट होती है डिक्शनरी के अंदर। सो की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी कैन एक्सेस यूजिंग द की से आपका एक्सेस होता है। की आर यूजली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। की मेनली आप स्ट्रिंग को लेते हैं और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है आपका, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है आपका, कोई भी डेटा टाइप आपका परफॉर्म हो सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपको एक्सेस करना है की से एक्सेस करेंगे यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आप की से एक्सेस करेंगे एलिमेंट को। तो देखिए यहां पर एक डिक्ट वन आपने डिक्शनरी बनाया है, नेम कोलन से आपने इसकी वैल्यू दे दी, आईडी इसकी वैल्यू, मार्क्स वैल्यू आपने दे दी। जब आप प्रिंट करेंगे तो एज इट इज ये प्रिंट होगा। आप इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे तो ये डिक्ट देगा, डिक्शनरी आपको दे दिया है। एंड जब आप डिक्शनरी वन में आईडी तो आईडी की वैल्यू भी आपको रिटर्न करेगा 45। तो इस टाइप से आपका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी आगे के चैप्टरों में आपका ये एक एक यूनिट है आपका, लिस्ट की एक यूनिट है, स्ट्रिंग एक यूनिट है आपकी, टपल एक यूनिट है, सेट एक यूनिट है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये प्रोसेसिंग करता है। बट यहां पर आपका केवल डेटा टाइप था, तो ये डिफरेंट आपके डेटा टाइप होते हैं। अब इनका हम इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिस्टम पे बता देता हूं कैसे ये वर्क करते हैं आपके, कैसे कैसे आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सिस्टम पे हम लोग चलते हैं, चलिए अब कोड हम लोग देखेंगे। तो आईडी अपना ओपन करिएगा आप लोग, स्क्रिप्ट पे हम लोग क्रिएट करेंगे तो न्यू फाइल आप क्रिएट करिएगा एंड इसे सेव कर देते हैं हम लोग, सेव एज डेटा टाइप। सेम फोल्डर पे करेंगे हम डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने यूट्यूब का एक फोल्डर बनाया है इसी के अंदर हम लोग इसको सेव करेंगे डेटा टाइप डॉट पीवाई से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपके तीन टाइप के डेटा टाइप है, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है एंड आपका कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप,
तो सबसे पहले कोई एक वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू आपने 34 दिया है, अगर आप इसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, आपने 30 ए को प्रिंट किया तो ये 34 प्रिंट कर देगा। और अगर आप इसको टाइप की बात करेंगे, टाइप ऑफ ए डायनेमिकली एलोकेट करता है आपका डेटा टाइप, तो F5 से आप रन करेंगे तो ये डेटा टाइप ने दे दिया, इट इज अ इंट टाइप क्लास, देन इंट टाइप इसने डिफाइन कर दिया। सिमिलरली आपने एक वेरिएबल दिया बी इक्वल टू, यहाँ पर कुछ राइट अप नेगेटिव में आप दे रहे हैं 234, तो इसका भी अगर आप टाइप की बात करेंगे तो आपका ये टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं बी का, तो आप चेक करेंगे इसका भी ये टाइप आपको रिटर्न करेगा एज अ इंट टाइप। नेक्स्ट आपने पॉइंट वैल्यू के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं, सी इक्वल टू 23.56 आपने दिया एंड प्रिंट किया आपने इसका टाइप, तो ये आपका जो टाइप रिटर्न करेगा वो करेगा आपका पूल, सी को आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो आप चेक करेंगे ये आपका रिटर्न कर रहा है एज अ सॉरी फ्लोट डेटा टाइप आपका ये रिटर्न करेगा क्योंकि आपने पॉइंट में वैल्यू दी हुई है। बूलियन वैल्यू तो आपकी होती है अगर आपने डी इक्वल टू यहाँ पर लिखा है, ट्रू और फॉल्स आपका डिफाइन करता है बूलियन वैल्यू को, तो अगर आप इसके टाइप की बात करें यहाँ पर डी को आप डिफाइन करेंगे तो आप रन करेंगे इसको तो ये आपका दे देगा बूल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमने ई इक्वल टू क्या किया यहाँ पर 2+5 जे आपने राइट किया एंड देन आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ई, टाइप ऑफ ई आपने डिफाइन किया तो ये आपको डिफाइन कर देगा इट इज अ बुलियन डेटा सॉरी इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्योंकि आपने इसमें 2+5 जे आपने डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड एज अ बुलियन डेटा टाइप। ऐसे आप कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर 9.8 इंटू 10 टू की पावर 2 आप कर रहे हैं पावर 2 प्रिंट करते हैं यहाँ पर नम 1 को हमने प्रिंट किया तो आप चेक करेंगे ये आपका रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न आपका कर रहा है 980.0001। तो ये एक टाइप से आपका क्या है फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हुआ है। तो आप जब आप इस यहाँ पर प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ दिस नम वन का अगर आप टाइप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप रन करेंगे तो आपको ये दे देगा एज अ फ्लोट डेटा टाइप। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप को, तो ये सारे आपके थे नंबर डेटा टाइप। अब दूसरे हम लोग डेटा टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा आपका है एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप की हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रिंग आपका क्या होता है कलेक्शन ऑफ सिक्वेंस डेटा टाइप में सबसे पहले आपका आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमने यहाँ पर ले लिया है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपने यहाँ पर लिखा str1 इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट में आप जो भी राइटअप करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा हेलो एंड देन आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट किया आपने str1 को तो आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, देखिए हेलो आपका प्रिंट हो चुका है। एंड इसी वे में अगर आप यहाँ पर राइटअप करते हैं क्या इसका टाइप आप डिफाइन करेंगे, आपने प्रिंट किया टाइप ऑफ str1 तो ये आपको रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर इसने दे दिया क्लास इज str यानी दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। सिमिलरली आप सिंगल कोट में भी राइटअप कर सकते हैं str2 इक्वल टू हमने राइटअप किया यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग लिख लेते हैं पाइथन, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। या आप कोई नंबर भी अगर लिख रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 आपने लिखा तो नंबर है बट एक डबल कोट के अंदर लिखा है, इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉपर आपका str2 को प्रिंट करेंगे तो आपका ये प्रॉपर 2, 3, 4, 5, 6 देगा बिना डबल कोट के या सिंगल कोट के, आप इसे सिंगल कोट में लिख सकते हैं, ऊपर आपने डबल कोट में लिखा तो इसको हम सिंगल कोट में राइटअप कर देते हैं। एंड देन आप इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जो पाइथन है उसमें सिंगल कोट एंड डबल कोट का मीनिंग आपका सेम आता है, तो अगर आप इसे सिंगल कोट में राइटअप करते हैं या डबल कोट में राइटअप करते हैं तो दोनों का मीनिंग आपका सेम है, इसकी भी वैल्यू आपको क्या देगा ये स्ट्रिंग देगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप की हम लोग बात करते हैं आपका लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप मैंने एक वेरिएबल लिया है list1, लिस्ट को आप डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जिसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू भी राइट अप कर सकते हैं, नंबर वैल्यू भी आपकी हो सकती है, फ्लोट वैल्यू भी आपकी हो सकती है, इसके अलावा आपका बुलियन वैल्यू भी इसके अंदर हो सकती है। लिस्ट के अंदर आप सब लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर आपने कहा हमने इस यहाँ पर एक सब लिस्ट क्रिएट कर दिया तो आप अगर इसे प्रिंट करते हैं, आपने यहाँ पर प्रिंट किया list1 को, देन आप चेक करेंगे आउटपुट में आपका ये list1 एज इट इज आपका प्रिंट होगा। एंड इसके बाद अगर आप इसके टाइप की बात करते हैं, आपने प्रिंट किया टाइप ऑफ दिस लिस्ट, टाइप आपने कर दिया है list1 तो आपको ये रिटर्न करेगा इट इज अ टाइप क्लास एंड टाइप इज अ लिस्ट, तो ये आपका लिस्ट टाइप रिटर्न करेगा। अगर आपको कोई वैल्यू इसमें एक्सेस करनी है इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्सिंग जो होती है आपकी वो देखिए list1 में न्यूमेरिक इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर अगर 3 राइटअप किया है तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे और ये 3 इंडेक्स पे है,
थ्री इंडेक्स पे आपका कंप्लीट पाइथन है, तो यहाँ आउटपुट में पाइथन केवल पाइथन को आपका एक्सेस करेगा आउटपुट में। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग देखेंगे जब आपका चैप्टर आएगा आगे लिस्ट, उसके आपका इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सब कुछ आपका होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी केवल आप डेटा टाइप पे फोकस कीजिए कि ये आपका एक डेटा टाइप है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में राइटअप करते हैं और इसमें आप डिसिमिलर डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डेटा टाइप इज टपल, टपल डेटा। टपल को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर टपल को डिनोट करेंगे, आपका वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं टपल, टपल वन, एंड इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के अंदर ये भी आपके डिसिमिलर डेटा का कलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर आपने पाइथन भी राइटअप किया है, इसके अंदर आपने फ्लोट वैल्यू भी राइटअप की है, ट्रू एंड फॉल्स भी आप राइटअप कर सकते हैं, इसके अंदर आप लिस्ट को भी राइटअप कर सकते हैं, इसके अंदर आप सब टपल को भी राइटअप कर सकते हैं। प्रॉपर वे में हम लोग जब तब देखेंगे जब आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, टपल एक चैप्टर आएगा आपका, देन आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं टपल में, टपल वन को अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा टपल। एंड देन अगर आप इसका क्या करें, टाइप फाइंड आउट करेंगे, प्रिंट किया आपने टाइप ऑफ दिस टपल, टपल वन, तो आप चेक करेंगे इसका जो टाइप आपका रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, आपका ये टपल आपका रिटर्न करेगा। अब इसमें एक पॉइंट हमने देखा था कि टपल आपका क्या है, एक बार अगर वैल्यू आपने राइटअप कर दी उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हम लोग प्रॉपर वे में इसको चेक करेंगे आपका, जब हम टपल को देखेंगे, टपल में मान लीजिए मेरे को वन इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है 45 में, देन आप रन करेंगे तो ये क्या दे देगा, एक एरर दे देगा आपको, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट का मतलब एक बार आपने वैल्यू क्रिएट कर दी उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं टपल के अंदर। बट यही चीज अगर आप लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं। आपने कहा यहाँ पर हम लोग लिस्ट वन में चेंजेस करते हैं कोई एलिमेंट, वन इंडेक्स पे ही मैं इसको क्या कर दूं, इक्वल टू 45 बना दूं, एंड इसके बाद आप दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। लिस्ट वन को अगर आप प्रिंट करते हैं, देखिए आप M5 से इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे टपल वाले में इसने एरर दे दी, बट लिस्ट वाले में देखिए आपने वन इंडेक्स पे क्या किया था, 01, वन इंडेक्स पे आपने 3 की जगह पे क्या कर दिया, 45 चेंज किया है, तो आपका ये चेंज हो गया, लिस्ट में तो चेंज हो गया बट टपल में इसने क्या दे दिया, आपको एरर दे दी, क्योंकि टपल में आपका आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट ये नहीं करता है, तो हम इसे क्या करते हैं कमेंट में राइटअप कर देते हैं। ये तो था आपका टपल डेटा टाइप, एंड देन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट डेटा टाइप की हम लोग बात करते हैं आपका, वो है आपका नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप आपका डिफाइन होता है आपका डेटा टाइप, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया यहाँ पे, my var इक्वल टू आपने से दे दिया है नन, नन आपने डिफाइन कर दिया है, देन आप प्रिंट करेंगे यहां पर माई वेर को आपने प्रिंट किया, तो आप चेक करेंगे आउटपुट में आपका ये नन ही रिटर्न करेगा आउटपुट में। और जब आप इसके टाइप की बात करेंगे, प्रिंट किया आपने टाइप ऑफ माई वेर को आप टाइप फाइंड आउट करेंगे तो ये दे देगा नॉन टाइप, आपका ये क्या है, एक डेटा टाइप है। इसके बाद आता है आपका जो लास्ट डेटा टाइप है वो है मैपिंग डेटा टाइप, डिक्शनरी, एक ही डेटा टाइप है आपका डिक्शनरी डेटा टाइप। तो डिक्शनरी डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो डिक्शनरी को आप राइटअप करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आप राइटअप करते हैं, बट इसमें की वैल्यू पेयर में आपका डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेट भी आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है डिक्शनरी डिक्ट वन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप राइटअप करेंगे, और इसमें आप राइटअप करते हैं पहले आपका की आता है, जैसे मैंने इसे नेम दिया है एंड इसकी वैल्यू दे दी, मैंने यहाँ पर अपना नेम दे दिया है, एंड देन दूसरी वैल्यू आपने दी यहाँ पर एज अ आईडी, एंड इसकी भी वैल्यू आपने रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पर एज अ 34। नाउ नेक्स्ट आपने यहाँ पर दिया एज अ मार्क्स आपने यहाँ पर दे दिया 70। तो ये आपने रिप्रेजेंट किया, देन इसको आप प्रिंट करेंगे, वन को आप प्रिंट करिए, सेव करेंगे, आप रन करेंगे F5 से, तो आप देखेंगे ये देखिए डिक्शनरी फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर में आपका डेटा जो है वो प्रिंट यहाँ पर हो चुका है। अब इसी में अगर आप इसका टाइप की बात करते हैं तो प्रिंट किया आपने टाइप ऑफ डिक्शनरी वन, डिक्शनरी वन का अगर टाइप की आप बात करेंगे तो टाइप आपका देगा ये डिक्ट, और डिक्शनरी में आप की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं बट इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं जैसे आपका टपल है या आपका लिस्ट है, उसमें आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, बट इसमें जो आपका एक्सेस होता है डेटा वो होता है आपका की के थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी की वैल्यू एक्सेस करनी है, आईडी मुझे एक्सेस करना है, तो आप राइटअप करेंगे आईडी, तो आईडी आपका 34 यहाँ पर रिटर्न करेगा। और अगर इसी को आप इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, आपने कहा
आपने कहा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हम एक्सेस करें तो ये क्या दे देगा आपको एरर, ये रिटर्न करेगा क्योंकि की एरर है आपकी वन, इंडेक्सिंग आपका एक्सेस ये नहीं करता है, की के थ्रू आपका ये एक्सेस होगा आपका डेटा, तो ये यहाँ पर क्या दे देगा आपको एरर दे देगा। एंड नेक्स्ट लास्ट डेटा टाइप है आपका सेट, सेट डेटा, सेट भी आपका कर्ली ब्रेसेस पे ही डिनोट होता है आपका, सेट वन इक्वल टू आपने कर्ली ब्रेसेस में राइट अप किया है 4, 5, 6, देन आपने यहाँ पर डिसिमिलर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन आपने लिखा है, देन आप इसे प्रिंट करेंगे सेट वन को, सेट वन आप कर देंगे, देखिए इसको सेव करेंगे, आप रन करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका एक सेट क्रिएट हो जाएगा एंड पाइथन ये आपका रिटर्न कर रहा है सेट की फॉर्म में, कर्ली ब्रेसेस से आप डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपने एक और सेट यहाँ पर डिफाइन किया, सेट टू इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4 एंड देन मैंने रिपीटेशन बहुत बार कर दिया आपका 2, 3, 4 एंड इसकी वैल्यू को आपका रिपीट कर दिया है, बट जब आप इसे प्रिंट करेंगे, देखिए आप इसे प्रिंट करते हैं सेट टू को, तो आपका रिपीटेशन वैल्यू जो होगी वो असाइन नहीं होगी आपकी आउटपुट में, ये केवल आपका रिपीट वाली वैल्यू को क्या कर देगा आपका रिमूव कर देता है सेट। सेकेंड थिंग, सेट के एलिमेंट को आप इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो जैसे अगर मैं सेट टू की बात करूं, सेट टू पे मुझे इंडेक्स वन की वैल्यू अगर एक्सेस करने है तो आपका ये आउटपुट में रिटर्न कर देगा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, सेट ऑब्जेक्ट को आप स्क्रिप्टेबल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप, जिसमें आपने ये डिफरेंट डेटा टाइप पढ़े हैं, जिसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप आपने पढ़ा, इसके अलावा आपने पढ़ा इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन आपने पढ़ा है लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप आपने पढ़ा, इसके अलावा नन डेटा टाइप है, मैपिंग डेटा टाइप में आपने डिक्शनरी को पढ़ा, सेट डेटा टाइप ये भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप ही है आपके, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप थे। अभी नेक्स्ट जो आगे की वीडियो आएंगे उसमें हर एक डेटा टाइप जितने भी आपने पढ़े हैं उनकी अलग अलग आपके यूनिट हैं, तो उनको समझेंगे हम, स्ट्रिंग के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, टपल में कैसे आपके होते हैं, कितने फंक्शन आपके यूज होते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये थे आपके डेटा टाइप। थैंक यू स्टूडेंट।